क्या बोलूं मैं, मेरे पास मैं क्या बताऊं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ यार, आप लोग आपको पता है जिंदगी में सबसे बुरा क्या होता है? जिंदगी में सबसे बुरी फीलिंग कब आती है? ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं अंदर से। देखो अभी मैं आके घर में बैठा हुआ हूं, बिकॉज मैंने शमशेरा को मजाक नहीं कर रहा हूं, 1 घंटा इंजॉय किया है, 1 घंटा उसको मैंने झेला है। अब वो तो अपन बात करेंगे, मैं रिव्यू दूंगा कैसा लगा मैं दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो जो मेरी उम्मीदों को ठेस पहुंची है ना, आज मैं रणवीर कपूर की इस मूवी का इतना वेट कर रहा था, मैं स्पेशली रणवीर कपूर का इतना वेट कर रहा था, मैं इस मूवी का इतना वेट कर रहा था भाई। इतने टाइम बाद रणवीर कपूर आ रहे थे भाई, मैं बंदे का बड़ा फैन हूँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को बहुत मजा आता है इस बंदे को देख के। बट मैं क्या बोलूँ यार, क्या बोलूँ यार, मेरी उम्मीदों को इस तरह से तोड़ा है ना इन लोगों ने, इस तरह से तोड़ा, इस तरह से तोड़ा जैसे कि हक दिया मेरी उम्मीदों के ऊपर। एंड वैसा वैसा हगना नहीं था ये। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो भाई, किसी को जमाल गोटा खिला दो, उसके बाद वो जिस तरह से हकता है ना, उस तरीके से हक दिया, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्या बना के दिया भाई, क्या सोचा था आप लोगों ने कि केजीएफ बना लोगे यार? भाई नहीं चाहिए थी भाई केजीएफ, सिंपल एक शमशेरा चाहिए थी, बट आप लोगों से वो भी नहीं हो पाया। फर्स्ट हाफ मेरे को लगा कि भाई मतलब कुछ आ रहा है बॉलीवुड में से, एंड उसके बाद पता है सेकंड हाफ देख के क्या लगा? नहीं, बॉलीवुड कभी नहीं सुधर सकता, कभी नहीं यार। ये तो वही बात हो गई भाई, हमारे पास नल्ली तो आई है पर नल्ली में हलवा नहीं आया। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। एक मतलब चलो सोचो यार, आप किसी शादी में गए हो, और वहां शादी में जाने के बाद शुरुआत में जिस तरह से हमारे सामने मीठा आता है ना, वैसे आप लोगों के सामने रसगुल्ला आ रहा है, काजू कतरी आ रही है, मावा मलाई आ रही हो, तो आप सोचोगे कि भाई स्टार्टिंग इतनी भयंकर है तो एंडिंग में आपको क्या क्या खाने को मिलेगा। एंड आपने उम्मीदें लगाई हो चिकन बिरयानी की, चिकन टिक्का बिरयानी की, और अगर आपके सामने दाल चावल रख दिए जाए तो आपकी उम्मीदों को कितनी ठेस पहुंचेगी। सेम सेम फीलिंग आप लोगों को जो भी आ रही है ना, वो मेरे को आई है शमशेरा देखने के बाद। मजाक नहीं कर रहा हूं, पूरे के पूरा हक दिया मूवी ने, हक दिया भाई। देखो सबसे पहले तो मैं शमशेरा देखने के लिए गया, मैं स्टार्टिंग से आप लोग को बताता हूँ क्या क्या झेला है मैंने। मैं शमशेरा मूवी देखने के लिए गया, एंड मैंने वहां पर जब जाके देखा कि मूवी को देखने के लिए कोई नहीं आया था, वही 15-20 लोग जिन्होंने पहले टिकट बुक करके रखी थी, वही 15-20 लोग बैठ के इस मूवी को देख रहे थे। मूवी की स्टार्टिंग गजब थी भाई, रणवीर कपूर जैसे शमशेरा की एंट्री होती है, एंड शमशेरा की एंट्री तो जबरदस्त होती है भाई। वो डकैती कर रहा है, चोरी लूटपाट कर रहा है जबरदस्त तरीके से, है ना, लोगों को मार ढाल कर रहा है, लूट रहा है। एक भाई इसमें ऐसा सीन है ना कि भाई वो एक ऐसी जाति से, मतलब उसको इतनी नीची जाति माना जाता है कि वो कहीं पे भी दिखते ना तो उनको मार देते, बट शमशेरा आता है, शमशेरा लोगों के अंदर उम्मीदें जगाता है, एंड शमशेरा के साथ धोखा होता है। वो किस तरह से होता है वो आप मूवी के अंदर देखना, मैं आपको बता दूंगा, तो जितना मजा आने वाला है ना वो आपका मजा भी किरकिरा हो जाएगा। बट वो उनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लग जाता है, उसके बाद वो भाई उसको बोल देते हैं कि भाई भगोड़ा वगोड़ा करके शमशेरा को मार देते। अब आता है शमशेरा का बच्चा, आई मीन एक और रणवीर कपूर। अब वो रणवीर कपूर स्टार्टिंग में तो इतना गजब उसको बताया ना, देख के मेरे को मजा आया, मजाक नहीं कर रहा हूं भाई। वो रणवीर कपूर का स्टाइल, उस बंदे का वो फितूर के ऊपर डांस, बंदे का वो कॉमेडी सीन्स, बंदे के वो डायलॉग्स, हर एक चीज मेरे को देख के मजा आया भाई। इस तरह से रणवीर कपूर वहां पर अपना जो परफॉर्मेंस दिया है ना, देख के जबरदस्त मजा आया मेरे को। उसके बाद संजय दत्त भाई, संजय दत्त का कैरेक्टर फर्स्ट हाफ में मैंने उसको इतना एंजॉय किया है ना, कसम से मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे को तो भाई वो याद आ गया था, क्या नाम है उसका, पृथ्वीराज में जो संजय दत्त का मिस यूज किया था ना, वो मेरे को इस मूवी में याद आ रहा था कि भाई यहां पर संजय दत्त को परफेक्ट यार काम मिला है। जबरदस्त तरीका फर्स्ट हाफ में उनको शो किया है, देख के एकदम मजा आ गया यार। एंड वाणी कपूर के दो भाई आइटम सॉन्ग आते हैं दो, एक वो काले नैना वगैरह, उसके बाद एक और क्लाइमेक्स से पहले आता है, वो सॉन्ग फैंटास्टिक है यार, मजेदार है, वो सॉन्ग देख के भी मजा आता है यार। रणवीर कपूर का डांस देख लो, वाणी कपूर का डांस देख लो, वाणी कपूर कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, डायलॉग्स देख लो, बीजीएम देख लो, म्यूजिक देख लो भाई, वो सिनेमाटोग्राफिक देख लो भाई, हर एक चीज, लोकेशंस देख लो, विजुअल्स देख लो भाई, मजा आता है फर्स्ट हाफ देख के। फर्स्ट हाफ देख के मेरे को लग रहा था भाई फर्स्ट हाफ इतना जबरदस्त है तो सेकंड हाफ किस लेवल का बनना चाहिए, बट सेकंड हाफ में आपको क्या बोलूं यार, मतलब क्या बोलूं, सेकंड हाफ में मजाक नहीं कर रहा हूं, स्टार्टिंग से लेकर जब तक मूवी खत्म नहीं हुआ ना, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था प्लीज भगवान इस मूवी को खत्म कर दे, बिकॉज और नहीं झेला जा रहा मुझसे। मतलब सेकंड हाफ इतना बोरिंग, इतना बकवास, इतना वाहियात, मैं आपको क्या बताऊं यार। संजय दत्त क्या कर रहा है, रणवीर कपूर क्या कर रहा है, बाकी की स्टार कास्ट क्या कर रही है, डायरेक्टर ने क्या डायरेक्शन किया है, कोई डायलॉग्स नहीं है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है भाई, मतलब कुछ भी चल रहा है सेकंड हाफ में, कुछ भी। एंड फर्स्ट हाफ में आपने वहां पर वो जो शुद्ध सिंह संजय दत्त को इतना जबरदस्त बताया, एंड सेकंड हाफ में उसने पूरी के पूरी तरीके से पाद दिया भाई, क्या यार ये, क्या मतलब कैसा पादा ये,
व्हाट इज दिस यार, मतलब यार इतना कमजोर बताया सेकंड हाफ में संजय दत्त को एंड वगैरह वगैरह, देख के एकदम दिमाग हिल गया यार, दिमाग हिल गया। देखो सबसे पहले तो ओवरऑल अगर इस मूवी की बात करूँ ना, तो भाई ऐसा लग रहा था कि भाई मेकर सोच रहे थे कि भाई स्टार्टिंग में मूवी को अच्छा बनाना है, एंड बाद में लास्ट तक जाके देखा कि भाई देखो बॉलीवुड की मूवी को कोई सपोर्ट तो कर नहीं रहा है, तो बेकार में अच्छा बना के फायदा क्या, कुछ भी फेल देते। इस तरह से मूवी बनाने की कोशिश की गई ऐसा मेरे को देख के इसको लगा, बिकॉज फर्स्ट हाफ मेरे को जबरदस्त भयंकर लगा, सेकंड हाफ ने मेरे को मतलब टोटली डिसअपॉइंटेड कर दिया। देखो रणवीर कपूर के बारे में बात करते हैं, रणवीर कपूर भाई मतलब जबरदस्त एक्टर है यार, आओ बंदे का आप काम देखोगे ना शमशेरा के अंदर, आप बोलोगे कि भाई काम जबरदस्त किया है बंदे ने, उसका एक्टिंग हो, उसका एक्सप्रेशन हो, भाई वो शमशेरा का कैरेक्टर हो, भाई वो बड़े है मतलब वो बड़े बड़े बालों में शमशेरा हो या फिर छोटे बालों में शमशेरा हो, देख के मजा आता है। जिस तरह से वो डकैती कर रहा है, चोरी कर रहा है, संजय दत्त के सामने जिस तरह से आ रहा है, जिस तरह से फाइटिंग कर रहा है, देख के एकदम मजा आता है। प्लस एक रोमांटिक सॉन्ग है जो लव लव वाला कैरेक्टर होता है, जहां पर भाई उनको रोमांस शो करना है, वो भी जबरदस्त निकल के आता है। बट जो सेकंड हाफ जिस तरह से हमको डिस्टर्ब करता है ना, वो देख के बोलना पड़ेगा भाई रणवीर कपूर आपने गलती कर दी। अब संजय दत्त की बात करते हैं, देखो संजय दत्त एक ऐसे इंसान है ना जिनको आज के टाइम पे एज अ विलन देखना हर बंदा पसंद कर रहा है, वो चाहे पृथ्वीराज के अंदर विलन नहीं था बट उसके अंदर संजय दत्त का रोल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट इस हिसाब से था क्योंकि संजय दत्त को देखने के लिए लोग जाते हैं बट फिर भी लोग देखने के लिए नहीं गए, मतलब संजय दत्त का क्रेज था, इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। उसके बाद आप KGF 2 लो, वहां पर अधीरा, और यहां पर भाई वो हमारे जो जिस तरह से शुद्ध वगैरह वगैरह सिंह संजय दत्त ने भाई जितना भी उनको काम मिला है उन्होंने भाई परफेक्ट किया है। बट सॉरी टू से फर्स्ट हाफ में मेरे को लगा कि संजय दत्त एक जबरदस्त कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बट सेकंड हाफ में वो कैरेक्टर ने भी एकदम पात दिया। एंड उसके बाद वाणी कपूर एकदम ब्यूटीफुल लग रही है, उनका काम जबरदस्त लग रहा है, उनके एक्सप्रेशन जबरदस्त लग रहे हैं, दो आइटम सॉन्ग आते हैं वो सॉन्ग जबरदस्त लगते हैं, बाकी उनका काम भी मेरे को ठीक ठाक लगा है, मजेदार लगा है। बाकी के स्टारकास्ट ले उसके अंदर आप बाकी के स्टारकास्ट की बात करें उनका काम भी मेरे को जबरदस्त लगता है। देखो इस मूवी के अंदर सब कुछ भरने की कोशिश की गई है जो कि बेकार है। इस मूवी के अंदर आपको फाइटिंग देखने को मिलती है, इसमें आपको इमोशन देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत कॉमेडी सीन देखने को मिल जाते हैं, हालांकि वो कॉमेडी में इतना हंसी मतलब इतना हंसना आता नहीं है बट फिर भी वो कॉमेडी तो कर ही रहे। उसके बाद आप डांस ले लो, आइटम सॉन्ग ले लो, रोमांटिक सॉन्ग ले लो, हर एक चीज आप कैरेक्टर के परफॉर्मेंस ले लो, हर एक चीज डालने की कोशिश की गई है। बट यार सेकंड हाफ में मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप स्टोरी के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाते हो, आप ये भगवान से प्रार्थना करते हो कि भाई ये मूवी कब खत्म हो जाएगी और हम कब घर को जाएंगे, इससे ज्यादा इस मूवी में कुछ नहीं होता। देखो ओवरऑल अगर मैं इस मूवी की बात करूं तो मूवी ने एकदम पात दिया, हक दिया, बिकॉज आपका भले कितना भी अच्छा आपने स्टार्टिंग लिया हो बट एंडिंग इतनी बकवास थी तो भाई मूवी ने पात ही दिया है भाई, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि भाई मूवी जबरदस्त है बट एंड उसका जो सेकंड हाफ आपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं किया, एंड पैसा हमारा वेस्ट हो गया, टोटली वेस्ट हो गया। देखो यार जो लोकेशंस वगैरह दिखाए, जो विजुअल्स वगैरह दिखाए वो देख के मजेदार लगते हैं, जो एक्शन दिखाया वो एक्शन भी ठीक ठाक लगता है, एंड क्लाइमेक्स का एक्शन मेरे को बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज क्लाइमेक्स में यार जिस तरह से भाई मतलब हमको स्टार्टिंग में ऐसा देख के लगता है कि भाई बहुत मुश्किल होगा एंड इस तरह से हो जाएगा उस तरह से हो जाएगा, इतने अंग्रेज हो, इतने गोरे लोग के बीच में, ऊपर से संजय दत्त, तो भाई किस लेवल का क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा, बट ऐसा लगता है कि बिल्ली चूहे को पकड़ने गई है, रणवीर कपूर हमारा बिल्ला है और वहां पर हमारे संजय दत्त चूहा ऐसे पकड़ के लेके मार देते हैं, मतलब बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। तो क्लाइमेक्स एकदम ही हजम नहीं हुआ मेरे को, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, बट यार सेकंड हाफ की माँ की आंख देखना अच्छी नहीं है। बाकी ओवरऑल मैं इस मूवी को दूंगा 10 में से 4 स्टार, 3 स्टार रख लो आप लोग मूवी के भाई फर्स्ट हाफ के लिए, 1 स्टार रख लो रणवीर कपूर के परफॉर्मेंस के लिए, बाकी के जितने भी मेरे स्टार्स काटे वो डायरेक्शन के लिए यही आप लोग रखो। बाकी मूवी मेरे को टोटली मतलब ओवरऑल देखे तो मेरे को बकवास लगी है, क्योंकि भाई मूवी को झेल के खत्म करना पड़े ऐसी मूवी किस काम की, बॉलीवुड आपसे यही उम्मीद की जा सकती है। बाकी मैं आप लोगों से कितनी भी उम्मीद लगाऊंगा आप लोग मेरे को पकड़ के खाने ही वाले हो, एंड उसके बाद आप प्लीज मेरे को रणवीर कपूर की एक और मूवी है जिससे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, उसका नाम है ब्रह्मास्त्र, प्लीज उसके साथ ऐसा मत करना, एंड उस मूवी के अंदर कुछ ऐसा भर देना कि मैं रणवीर कपूर की दिल खोल के तारीफ कर सकूं एंड बोल सकूं कि भाई ये है रणवीर कपूर। बाकी इस कैरेक्टर का तो आपने सत्यानाश कर दिया, एंड वो जो आप लोगों ने क्या बताया कौन सी कौम है पता नहीं, वो खानदेश सॉरी यार कौन सी कौम है यार कौन सी, जो कि लड़ रहे थे संजय दत्त से, इनको ये करना है वो करना है, आजादी दिलानी है वो दिलानी है, भाई मतलब क्या बताऊं मैं आप लोगों को यार,
मतलब टोटली डिसअपॉइंटेड कर दिया, टोटली डिसअपॉइंटेड कर दिया। मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, मैं अंदर से सोच रहा था भाई ये मूवी खत्म करो एंड मैं कब घर को जाऊँ, और घर पे जाके शांति से बैठूँ और आप लोगों से बातें करूँ यार, और क्या ही बोल सकता हूँ मैं। एनीवेज आप लोग बताओ, अगर आप लोगों ने मूवी देखी तो मूवी ने आपका कितना भंडाधार किया है। बिकॉज फर्स्ट हाफ तो फिर भी इसको इंजॉय करते हो, सेकंड हाफ तो इसको झेल के निकालना पड़ेगा आप लोगों को, इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं पाओगे। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड लव यू एंड सॉरी रणवीर कपूर भाई। डायरेक्शन बहुत ही बेकार लगा, महाबकवास लगा, मतलब तोड़ दी सारी उम्मीदें मेरी, और इससे आगे मैं क्या ही बोलूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।